अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां पर निबंध। भारत दुनिया के पहले कुछ ऐसे देशों में से एक है जिसने देश के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी के महत्व को अच्छी तरह से समझा है। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत के बाद इन तीन दशकों में भारत ने क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल की है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट और इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट विकसित कर दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। देश ने अपने बल पर सैटेलाइट लॉन्च करने में भी सफलता हासिल की है। यहां तक कि इस क्षेत्र में भारत कई विकसित देशों से भी आगे निकल गया है। भारत ने 1975-76 में ही दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था, जब अमेरिकी सैटेलाइट ATS-6 के जरिए देश के 2500 से भी ज्यादा गांवों में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और कृषि आदि विषयों पर शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। फिर 1977-79 के दौरान सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट चलाया गया। इन अनुभवों के आधार पर ही 1983 में इनसेट की स्थापना संभव हो सकी और आज यह दुनिया के सबसे बड़े घरेलू संचार सैटेलाइट सिस्टमों में से एक है। इनसेट ने दूरसंचार, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, मौसम विज्ञान और खतरे की चेतावनी देने वाली सेवाओं के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। इसके जरिए सैकड़ों अर्थ स्टेशनों को जोड़ने में मदद मिल सकी, वे भी जो देश के दूर दराज के क्षेत्रों और द्वीपों में स्थित थे। भारत में आज टीवी की पहुंच 80% आबादी तक है। इनसेट का उपयोग न केवल दूर संचार, टेलीविजन और मौसम की जानकारियों के लिए किया जा रहा है, बल्कि इसके जरिए जमीनी स्तर पर शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के प्रसारण और इंटरैक्टिव ट्रेनिंग में भी मदद मिल रही है। कई राज्य सरकारों और एजेंसियों ने आज इसका इस्तेमाल शिक्षा, उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिए किया है। मध्य प्रदेश में झाबुआ डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट नंबर नवंबर 1996 में शुरू हुआ था, जिसके तहत इनसेट की तकनीक का इस्तेमाल कर आदिवासी लोगों के लिए स्वास्थ्य, सफाई, परिवार नियोजन और महिला अधिकारों आदि विषयों पर शिक्षाप्रद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। टेलीमेडिसिन भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इनसेट के जरिए शहरों में बैठे डॉक्टर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में बैठे लोगों को डॉक्टरी सलाह दे सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अंडमान एंड निकोबार टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट की शुरुआत 3 जुलाई 2002 को हुई, जिसके तहत पोर्ट ब्लेयर स्थित जीबी पंत अस्पताल को चेन्नई के श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से जोड़ दिया गया। इसके अलावा चेन्नई श्रीहरिकोटा, बैंगलोर चामराजनगर सरगूर, कोलकाता बेंगलुर दक्षिणी त्रिपुरा, नई दिल्ली लेह गुवाहाटी, कोची कवाराती और लखनऊ बहरामपुर बुरला के बीच भी यह प्रणाली शुरू की गई है। दूरसंचार के क्षेत्र में तो इनसेट का बहुधा प्रयोग ही हो ही रहा है, साथ ही मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी यह काफी मददगार साबित हुआ है। इसके जरिए चक्रवात की पूर्व सूचना मिल जाने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाता है। इनसेट सैटेलाइट की संख्या बढ़ाए जाने की बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूरसंचार और मौसम विज्ञान के लिए अलग अलग सैटेलाइट छोड़ना जरूरी हो गया है। जल्द ही छोड़ा जाने वाला मेडसेट इस तरह का पहला सैटेलाइट होगा जो भारत के अपने PSLV के जरिए छोड़ा जाएगा।
70 के दशक के अंत में और 80 के दशक की शुरुआत में भास्कर एक और भास्कर दो सैटेलाइट छोड़े गए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत का आज अग्रणी स्थान है। IRS सैटेलाइट के जरिए देश की प्रमुख फसलों के उत्पादन, वनों के सर्वेक्षण, सूखे की भविष्यवाणी, बाढ़ के खतरों जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद ली जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद पर जाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने में जुटे हुए हैं। हालांकि यह योजना नई नहीं है, इस दिशा में प्रारंभिक तैयारी पूरी हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष तैयारी पूरी हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें दावा किया गया है कि वैज्ञानिकों ने तकनीकी क्षमता हासिल कर ली है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान के तहत रॉकेट टेक्नोलॉजी में जो विकास होगा उसका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण में प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसरो का भी यह भी कहना है कि पड़ोसी चीन भी अंतरिक्ष में मानव दल भेजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत के इस अभियान की सफलता का महत्व और भी बढ़ गया है।